इसके पैर बांध रखें। वीडियो और फोटोग्राफी नहीं कर सकते यूट्यूब के लिए, बिल्कुल भी जीरो। एक वार मेमोरियल है, म्यूजियम है मोर का, देखते हैं। ये जैसलमेर राजस्थान का लास्ट पॉइंट है इस तरफ से। वाह, ये देखो, ये मार्केट है। यहाँ से जाने का रास्ता भी है। Side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. थैंक यू। ओके जी, स्क्रीन साफ कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे मेरी तरह। तो भाई फाइनली जैसलमेर को करते हैं बाय बाय, अब चलते हैं जोधपुर। और जोधपुर है यहाँ से 260 किलोमीटर 4 आवर्स का। हाँ हाँ, क्या ठंडा ठंडा मौसम है, सुबह तो अलग ही बन जाता है राजस्थान। कल भाई मज़ा आ गया शाम को जैसलमेर घूम के, क्योंकि बढ़िया मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा, गर्मी तो थी ही नहीं। मेरे को एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप यहीं से अंदाज़ा लगाओ। तो मैं कह रहा था कि रात को इतना बढ़िया मौसम हो गया था, मैं नहाया, नहा के फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है एसी की इस टाइम पे। दिन में है, दिन में ज़रूरत है बिल्कुल, क्योंकि रात को और सुबह कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि रात को तो मेरे को ठंड भी लगी थी, फिर मैंने फ़ैन ऑफ किया। तो अभी ये दो रास्ते दिखा रहा है, तो ये वाले रास्ते से चलते हैं। ये वाला रास्ता बताया गया है मेरे को, ये वाला सही है, अच्छा है, बिल्कुल सीधा जोधपुर। वाह, बिल्कुल सीधा है, तो यहीं से चलते हैं रेलवे स्टेशन। मेरा मन तो कर रहा था कि रात को मैं घूमूं पूरा, लेकिन फिर काम करना था, तो उस चक्कर में मैं टाइम से आ गया घर पे, और अपना काम भी ख़त्म हो गया, घर पे कह रहा हूँ, होटल पे, अपना टाइम काम भी ख़त्म हो गया। अभी चलते हैं स्ट्रेट जोधपुर। मौसम देख रहे हो आप, बिल्कुल साफ, कोई बादल का बी भी नहीं, सूरज बिल्कुल सीधा मेरे मुंह पे है, और मेरे पास कोई चश्मे भी नहीं है कि मैं चश्मे ही पहन लूँ, वो जो हैं वो आते ही नहीं हेलमेट में, घुसते ही नहीं है, कोई नहीं। ये जैसलमेर राजस्थान का लास्ट पॉइंट है इस तरफ से, अब इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ से 100 किलोमीटर बाद बस पाकिस्तान का बॉर्डर। एक वार मेमोरियल है, म्यूजियम है मोर का, देखते हैं, चलते हैं। अगर वीडियो बनाने दी तो रुक जाएंगे, नहीं देखते चले जाएंगे, चेक करते हैं। ये आ गया भाई वॉर म्यूजियम, और इस टाइम खाली भी मिलेगा, 9 ही बजे, पता नहीं खुला भी होगा कि नहीं। पार्किंग कहाँ है? पार्किंग आई थिंक आगे है, मेरे ख्याल से तो बंद है भाई। खुला है। म्यूज़ियम का सीन बता देता हूँ, म्यूज़ियम में आप वीडियो और फोटोग्राफी नहीं कर सकते यूट्यूब के लिए, बिल्कुल भी जीरो। अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हो, कि आपको पर्सनल देखनी है तो, लेकिन आप यूट्यूब के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने ना फ़ोटो ली ना वीडियो बनाई, मैंने फ़ोन निकाला ही नहीं, लेकिन वर्थ था। 20 मिनट लगाए मैंने, 20 मिनट में जो मेन था वो मैंने देख लिया, टैंक्स
और जो इनके पाकिस्तान के टैंक हैं, इनके ट्रक्स हैं, पाकिस्तान के जो वॉर में अपने इंडियन आर्मी ने कैप्चर करे थे वो, और जो अपने शहीद हुए थे उनकी फ़ोटोज़ हैं, और एक है अपना फिल्म दिखाते हैं 10-12 मिनट की, वो तो खैर मैंने नहीं देखी, मैंने बस जो फिज़िकली था वो सब देख लिया। तो ये कुछ था, मेरे को पता है यहाँ पे वीडियो बनाने ही नहीं देते हैं, आर्मी के किसी भी एरिया में वीडियो नहीं बना सकते। तो अब चलते हैं सीधा, थोड़ा खींचते हैं, और आज हवा भी कम है भाई, शुक्र है आज हवा कम है। सीधी रोड है, सीधी 43 किलोमीटर सीधी जोधपुर। ये है असली जंगली ऊंट, ये तो हमेशा मैंने पाले हुए देखे हैं। ओ बेटे इसका साइज देखो, वाओ एक नंबर। अब थोड़ी गर्मी होने लग गई, अभी तक तो ठीक था, अब थोड़ी गर्मी फील हो रही है मेरे को। ये लो जी, ये यहाँ से इस फ्लाईओवर से नीचे से होके दिखा रहा है, नीचे से फिर आई थिंक राइट जाएगा। अब एक बारी मैं रोक के क्रॉस चेक कर लेता हूँ अच्छे से, कहीं पता चले हम। हाँ ये देखो यहाँ से राइट दिखा रहा है, पोखरण बाईस पास, पोखरण सिटी, एक बार चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके बॉस, ये रास्ता ठीक है, आगे से तो बहुत लंबा है, यहाँ से चलते हैं हम। मैं हमेशा जब भी ये हाईवे को छोड़ता है या कुछ अलग रोड पकड़ता है मैप, तो मैं एक बार रुक के 2 मिनट चेक कर लेता हूँ मैप पे फ़ोन में कि भाई ये जो लेके जा रहा है या सही लेके जा रहा है या कैसे क्या है, अंदर से तो नहीं लेके जा रहा, तो डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो ये आगे जोधपुर रोड, और ये ऊपर थी वही बीकानेर वाली रोड जिस पर आप कल आए थे। अरे कबूतर भाई तू भी चलेगा? ये आ गया भाई जोधपुर 174 भिनियाना 40 थाट 16। अब कुछ नई रोड पकड़ी है आपने, ये देखो आपको दिख रहा हो तो ओहो वो देख लिया उसने, दो हैं दो, फोन से दिखाता हूँ, एक ये है और एक ये है, एक नंबर। कलर कितना सुंदर है इनका, ब्लैक ब्लैक सा, छोटे छोटे सींग, बढ़िया मज़ेदार। नए रूट का मज़े लेंगे अब, नए रास्ते पे नई एक्साइटमेंट होती है। अभी ये देखो जैसलमेर से यहाँ तक ये ऑलमोस्ट 120-130 किलोमीटर हम पीछे आ गए हैं, और यहाँ पे मिट्टी एकदम बदल गई है, यहाँ पे सब रेड रेड हो गया है, सारी मिट्टी रेड है, पत्थर भी रेड है, वहाँ पे गोल्डन से ब्राउन से कलर के थे, और यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी भी लग रही है मेरे को, क्योंकि वो तो प्रॉपर डेजर्ट है जैसलमेर, तो यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत है। ये देखो रेड रेड सा हो गया, और अभी रोक के कहीं कुछ खा लेता हूँ, अपने ड्राई फ्रूट खा लेता हूँ और एक कॉफ़ी पी लेता हूँ, बढ़िया सी कॉफ़ी मिलेगी तो, नहीं तो चाय, फिर चलते हैं सीधा जोधपुर। ये भाई साहब रोड के बीच में, ओए होए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर कैसे हो जाते हैं
बहुत सारे हैं भाई साहब, बहुत सारे हैं। एक ये है, कुछ उधर हैं, वो बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं। छोटा वाला तो अल्टीमेट लग रहा है, इसके पैर बांध रखे हैं उटनी के। अमेजिंग, क्या मज़ा आ रहा है भाई इस रोड ट्रिप पे, मतलब मैं बता नहीं सकता। अल्टीमेट, सबसे बड़ी बात तो ऑफ सीज़न है, भीड़ ही नहीं है, है ना। ऑफ सीज़न में ट्रैवल करने का यही फ़ायदा है, ना भीड़ मिलेगी, होटल बिल्कुल सस्ते मिलेंगे आपको। जहाँ मैं कल रुका था जैसलमेर में, वो सिर्फ रूम 700 का था, वो बिल्कुल फोर्ट के बिल्कुल पास है। आप आसपास सब कुछ देख सकते हो, पैदल पैदल आप लेक भी घूम सकते हो, फोर्ट भी घूम सकते हो, मार्केट भी घूम सकते हो। सारा रास्ता पैदल पैदल का है उस होटल से। वहाँ पे रूम मेरे को 700 का मिल गया, और अगर मैं एसी लेता तो वो मेरे को लगा लो 900 तक का दे देता। तो बस यही है, मैं अपनी तरफ से तो यार मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको अच्छा अच्छा दिखाने का, अपना अच्छे हिसाब से बढ़िया वीडियो बनाने का जितना हो सकता है पॉसिबल कर रहा हूँ। बस वही है, अब मैं कोई परफेक्ट तो हूँ नहीं, टाइम लगेगा, धीरे धीरे टाइम लगता है हर एक चीज़ में, सीखने में टाइम लगता है। अब किसी चीज़ में घुसे हैं तो उसमें वहाँ पे परफेक्ट होने में, एक लेवल तक पहुँचने में टाइम लगता है। मेरा काम है मेहनत करना, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, और फिर आप जज करो। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो मैं डिज़र्व करता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो आपका लाइक सब्सक्राइब में डिजर्व करता हूँ। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बनाऊँगा और सबको ही अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है, है ना। तो बस यही है, अभी मैं रोक लेता हूँ यार कहीं पे, मुझे भूख सी लग रही है, प्यास भी लगने लगी। ओ माय गॉड, लुक एट द व्यू। ओहो, ये सामने रेत का टीला, क्या लग रहा है यार। इतना सुंदर है, और पेड़ भी उगे हुए हैं रेत के ऊपर। कमाल की जगह है, कमाल की। और आई थिंक जोधपुर साइड इतना डेजर्ट नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा पीछे है, जैसलमेर बिल्कुल एंड में था। बाकी व्यू यहाँ से तगड़ा है भाई, वो देखो, एक ये पहाड़ है रेत का, एक वो पहाड़ है रेत का, बढ़िया एक नंबर। ये देखो यार, ओहो, एक नंबर व्यू, एक नंबर, अल्टीमेट। यहाँ रुकते हैं, ये जगह है रुकने की भाई साहब। यहाँ कर देते हैं बाइक को पार्क छाया में, एक नॉर्मल थाली लगवा दो। हाँ, और इसमें ना मिक्स वेज की जगह दाल ही कर देना। हाँ, दोनों दाल, और एक और ये एक और, उसमें कॉफी ज्यादा डलवा देना। इतने खाना आता है, इतने मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ व्यू। ये देखो, ये खड़ी अपनी बाइक, और ये देखो पीछे, ओहो हो प्रॉपर डेजर्ट है, प्रॉपर डेजर्ट, एक नंबर। यहां से जाने का रास्ता भी है, क्या व्यू है, परफेक्ट जगह है होटल। अभी वेट करते हैं अपने खाने का।
ओके जी, तो ये है अपना होटल, एक नंबर का खाना था। इतनी सारी रोटी दे दी वो बच गई, मैंने पैक करवा ली, मैं कहा चलो रास्ते में गाय को दे देंगे। अभी चलते हैं यहाँ से सीधा जोधपुर। चलो जी, ओए होए, और ये जो व्यू है ना भाई साहब पीछे से, ये मस्त जगह है भाई। इधर भी बढ़िया वाला डेजर्ट है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो ये जो डेजर्ट है ना, सेम ऐसा ही है वो जो जैसलमेर के आके आता है, सेम डेजर्ट, लेकिन डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे पेड़ नहीं है, यहाँ पे पेड़ है। वहाँ पेड़ नहीं मिलेगा, बिल्कुल रेगिस्तान प्रॉपर जो मूवीज में होता है, और यहाँ पे पेड़ है, एक नंबर भाई साहब, रेगिस्तान के बीच में से जाते हुए ये रोड, यहाँ ये वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है जैसलमेर वाले से। ये देखो ऊंट, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। दिल जीत लिया भाई इस रास्ते ने तो, मौसम बिल्कुल साफ, प्रॉपर डेजर्ट। देख रहे हो ढेचू आ गया भाई, ढेचू ढेचू गधे वाला ढेचू, खम्मा गणी हट जाओ हट जाओ। रोड होए होए होए, वर्थ है भाई, जैसलमेर से जोधपुर आना वर्थ है, सिर्फ 4-4.5 घंटे की बाइक हो या गाड़ी हो राइड है, क्योंकि खाली रोड है, अपना आराम से आओ, एक नंबर मज़ेदार। देखना रोड, कोई खड्डा नहीं, कोई कुछ नहीं, सामने विंड मिल है लेकिन चल नहीं रही क्योंकि आज हवा कम है। अब अपने को यहाँ से जाना है और लेफ्ट जोधपुर, इधर है आई थिंक शेरगढ़। देखियो अंकल, पता नहीं क्या कह रहा था भाई, ये देखो ये मार्केट है, वाओ, ये क्या रखे हुए, चाकू तलवारें मसाले, वाह जी वाह, लाल मिर्च भाई साहब, लाल मिर्च, भागो 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 लाल मिर्च से दूर, एक नंबर जगह, एक नंबर, मज़ा आ रहा है, मज़ा अल्टीमेट।
यहाँ से जाता है सारा मार्बल, ये सब कटाई हो रही है देखो, सारा पत्थर मार्बल यहाँ जोधपुर में ये बहुत है माइंस। ट्रक भर भर के जा रहे हैं, ट्रक भर भर के, ये देखो वेलकम टू जोधपुर, ये जोधपुर आ गया है। और भी किला है यहाँ से 1.7 किलोमीटर, वहीं कहीं आप ले लेंगे अपना होटल। वो ऑटो कॉल है भाई साहब, बड़ी जल्दी हो रही है। तो ये है भाई अपना रूम, ये मेरा रूम है और यहाँ पे अभी आएंगे लोग, अगली बारी ड्रोन का भी एक्सपीरियंस लेके देखते हैं। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में किला दिखाऊंगा, शाम को किला चलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, अभी थोड़ी देर में 2 घंटे बाद चलेंगे किला। तो बाय टाटा, टेक केयर, अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।